अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन गोभी। इसके लिए मैंने दो बेबी चिकन लिए हैं और एक फुल गोभी का। हांडी में आधा कप तेल डाल, अब हम इसमें दो मीडियम प्याज डालेंगे और इनको गोल्डन ब्राउन करेंगे। हाफ टेबल स्पून जीरा डालेंगे और इसको भी साथ भूनेंगे। प्याज हमारे अब लाइट गोल्डन हो चुके हैं, अब हम इसमें एक टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे और इसको भी भूनेंगे। क्वार्टर टी स्पून हल्दी डालेंगे और एक टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। एक टेबल स्पून नमक डालेंगे और दो तीन मिनट के लिए भूनेंगे। तीन ग्रीन चिली लिए और दो मीडियम टमाटर। अब हम इसको हांडी में डालेंगे, सब चीज़ों को भूनेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ऊपर से बंद कर देंगे जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए, फिर हम भूनेंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे, इसका इससे अच्छा टेस्ट आ जाएगा और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है। थोड़ा सा पानी का चीता लगाएंगे ताकि मसाला चिपक ना जाए और जल ना जाए। मसाला हमारा तैयार हो चुका है, अब हम इसमें चूजा डालेंगे। इसको 10 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनेंगे। चूजा हमारा अब भून चुका है, अब हम इसमें गोभी डालेंगे। चार पाँच मिनट के लिए गोभी को भूनेंगे। चार पाँच मिनट के लिए हमने इसको भून लिया, अब हम इसमें पानी डालेंगे। एक कप हमने पानी डाला है। ऊपर से ढक्कन बंद करके भूनने देंगे धीमी आंच पर। अभी 4-5 मिनट के लिए और रहने देंगे, अब हम इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे, फिर हम बंद कर लेंगे 5-6 मिनट के लिए, क्योंकि अभी गोभी गली नहीं। आधा धनिया डालेंगे और आधा सर्व करने के लिए रखेंगे। सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको दम पर लगा देंगे 5-6 मिनट के लिए, फिर हम इसको दम पर लगा देंगे। माशाल्लाह से हमारी चिकन गोभी अब तैयार हो चुकी है, बहुत ही मज़े की बनी है। अब हम इसको बंद कर देंगे और इसको सर्व करेंगे। माशाल्लाह से हमारी बहुत ही मज़े की चिकन गोभी तैयार हो चुकी है, बहुत ही मज़े की लग रही है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में बताना आपको रेसिपी कैसी लगी। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।